अगर मुझे खुश करना हो ना किसी को भी, तो कटहल की सब्जी बनाकर बस खिला दे, मैं बम बम हो जाती हूँ। हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम, और आप सभी को रतन राजपूत के प्रणाम। मैं अभी हूँ हमारे गांव में, यानी कि वाई में, और वाई की रसोई है हमारी मौसी की रसोई, जो कि हम आज साझा कर रहे हैं। साझा ऐसे कर रहे हैं कि मौसी की रसोई में मेरे लिए कुछ स्पेशल बन रहा है, मेरा फेवरेट, मतलब हॉट फेवरेट कटहल, यानी कि जैक फ्रूट, यानी कि फर्नस। महाराष्ट्र में अलग तरीके से बनाई जाती है, हर स्टेट में अलग अलग तरीके से ही लोग बनाते हैं, तो मैं देख रही हूँ कि मौसी की रसोई में बहुत अलग बन रहा है। हाँ, इट्स लाइक अ कीमा, फर्नस है जिसको बॉईल करके और उसके छोटे छोटे ऐसे मैश करके टुकड़े किए गए हैं, कीमा किया गया है, जो भी चाहे आप इसको कह दो। ये बहुत ही कौला सा है, मतलब बहुत छोटा है, बच्चू सा है, इसलिए इसका रेशा नहीं दिख रहा। अदरवाइज मौसी बोल रही थी कि ये रेशा रेशा होता है तो और बहुत टेस्टी लगता है, बट हम फिर भी ये बनाएंगे अभी। और इसमें बहुत ख़ास चीज़ पड़ने वाला है, और वो मुंबई में मैंने अभी तक नहीं देखा, विच इज़ कॉल्ड गावरन तिल, गावरन काला तिल। ये भी कढ़ाई में डालकर उसको भाज रहे हैं। मौसी, गावरन तिल का कोई और नाम है? नहीं, तीरस बोलते हैं, काय दूसरी गढ़ मानते हैं काय में थी। एक बार दिखाओ ना, थोड़ा दिखा दो लोग, आप करो का अपना काम करो। ये देखो कैसा है, इसकी यहाँ चटनी भी बनाई जाती है, बहुत सारे रेसिपी में ये शेयर करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, सूखा इसको रोस्ट कर रहे हैं, और इसके लिए कांदा काटा है, यानी कि अनियन चॉप करके बारीक बारीक वो रख लिया है प्रिपरेशन में। भाई मौसी ने एक और सीक्रेट बता दी कि यहाँ पे सिर्फ एक चटनी नहीं होती है, वो लाल चटनी ही सिर्फ नहीं है, एक काली चटनी होती है जो कि तिल से, काले गावरन तिल से बनाई जाती है। और इस चटनी में उस चटनी का वो जो पाउडर है ना, वो जो बेस बनाया था हमने, वो भी डलता है। तो अब तो दो दो चटनी हमें शेयर करनी पड़ेगी। ये चटनी शायद हम मुंबई में भी बना सकेंगे, है ना? हाँ, बिकॉज वो बेस हमारे पास है। अभी ये रेसिपी देखते हैं, ये रेसिपी आप एग्जैक्टली तभी बना पाएंगे जब आपके पास लाल चटनी का मसाला हो, और नहीं तो फिर वो स्किप भी कर सकते हैं, विल सी। देखो, बना पाए या नहीं बना पाए वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि किसकी रसोई में क्या पक रहा है वो हम देखें और थोड़ा जाने तो सही, तभी तो वो भी हम प्रिपेयर कर पाएंगे लाल चटनी। ये जो मैं जिसको काला गावटी तिल कह रही थी, गावरन तिल, उसको कारड़ कहते हैं। मौसी एक बार बोलो ना आप, आपके मुँह से, कारड़। कारड़, हाँ, कारड़। ये इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ सीड ओनली, जैसे फ्लैक्स सीड होता है या तिल होता है। अब ये तो मुझे यहीं के गांव में मिलेगा, मेरे ख्याल से मार्केट में। I will buy it. अगर आप इसका ट्रांसलेशन तो अगर आपको ये ट्रांसलेशन देख लेना, आप इसका मिल जाएगा, गूगल करोगे तो कारड़ को इंग्लिश में या हिंदी में क्या बोलते हैं, मैंने भी चेक नहीं किया है, ये मेरे लिए सरप्राइज है आज। अभी इसका चटनी बनाएंगे, यानी कि इसको मिक्सर में पीसेंगे। पाउडर मौसी, पाउडर कर रही थी। अभी कढ़ाई में प्याज डाला, इतना बस। मी सांगते और मैं बनाऊं, ठीक। मौसी ने सही कहा, मैं सीखूंगी। देखो जी, मौसी के गाइडेंस में आई एम मेकिंग फर्नस की सब्जी। पहले ये बिना तेल का ही ड्राई ऐसे भून रही हूँ। एक ही प्रॉब्लम है मेरी, मैं अगर बैठ गई ना यहाँ पे चूल्हे के सामने तो ये चलाती रहूँगी, ज़रूरत हो या नहीं हो, और ऐसा नहीं करने का, छोड़ देने का। फर्नस की कीमा में डाला है हल्दी, लाल चटनी। लाल चटनी अगर आपको नहीं मालूम है तो प्लीज़ हमारा वीडियो देखिए, ये लाल चटनी सही है, MMM, महाराष्ट्रियन मैजिक मसाला, एंड नमक यानी कि मीट। सॉरी, मैं इसको कीमा बोल रही हूँ, ये बेसिकली है फर्नस का, क्या इसको बोलेंगे यार, इसमें मसाला मिक्स कर लेंगे।
खुशी से मेरे को बच्चन साहब और धर्मेंद्र याद आते हैं। क्या बाकी सब तो ठीक है मौसी, बस पीने की आदत उसकी बुरी है। पी लेता है तो कभी कभी थोड़ा पत्ते भी खेल लेता है मौसी। मुझे तो लगता है शोले में आपको होना चाहिए था मौसी। अच्छा हाँ, हमने अब डाला है तेल। मुझे नहीं मालूम कि पहले प्याज को भूनने के बाद तेल क्यों डालते हैं, इसका जरूर कुछ न कुछ कारण होगा। मौसी ऐसा क्यों करते हैं? तेल में जस्त बात जितना है ना पटकन। अच्छा जी, जल्दी नहीं भूनता तेल में। ओके, सो दिस इज लाइक गांव का ट्रिक जो कि हमको सीखना चाहिए और हमें साथ साथ में आग भी जलाते रहना चाहिए। क्या है ना कि प्याज में पानी होता है, तो पानी को पहले ऐसे ड्राई रोस्ट करके सुखा देते हैं और फिर तेल डाल करके फटकन भून लेते हैं। फटकन मीपन, फटकन जास्ती और क्या है, ऐसे ऐसे वर्ड मुझे बड़ा मजा आने लगा है बोलने में। देखो तैयार ही नहीं हुई हूँ, सुबह सुबह बस दूध लेने आई थी, एक रेसिपी मिल गया तो मैंने सोचा क्यों ना साझा कर लिया जाए। मौसी आज और आसुदे, आसुदे मतलब रहने दे, राव दे, सुना क्या सिखाया मुझे, आसुदे मजे राव दे, अब राव दे मजे रहने दे। मुझे यहाँ ट्रांसलेटर भी मिलते हैं, मराठी टू मराठी, मराठी टू हिंदी मिलते नको है ना। हाँ राव दे नको नी। हाँ खराब है? नहीं नहीं अच्छा है। क्या इधर दो होले। अच्छा। होले आत्मदी होले। होले मतलब कीड़ा है। अरे यार आपके लिए खराब है, मेरे लिए तो अच्छा है, ऐसा कहाँ मिलेगा मेरे को। ये फनस प्रेम देख रहे हो आप लोग, मैं खराब को भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ऐसा ना कि मार्केट पे जब हम खरीदते हैं तो पता नहीं कितने दिन पुराना होता है, अच्छा होता है खराब होता है हम सोचते भी नहीं है। ये तो जस्ट पेड़ से उतारा हुआ है। आई लव फनस। अगर मुझे खुश करना हो ना किसी को भी तो कटहल की सब्जी बनाकर बस खिला दे, मैं बम बम हो जाती हूँ। इसमें अभी हम डाल रहे हैं लहसुन और खोबरे का पेस्ट, इधर डाल रहे हैं। महाराष्ट्रियन फूड में नारियल और मूंगफली बहुत पड़ता है, इसमें नारियल डाला है। इसमें काले तिल की चटनी डाली है, मतलब उसको बारीक करके। मौसी लहसुन चटनी, लहसुन भूना चटनी। क्या हाँ अभी इसमें ये सारा मिक्सचर ऐड कर रहे हैं और अब इसको अच्छे से भूनेंगे। मैंने थोड़ा तेल कम डाला है, जैसे इसमें तेल थोड़ा भरपूर पड़ता है। जब जरा सा पाउडर टकाना, मैंने कहा था ना तेल भरपूर पड़ता है। छाता किसके? ठीक है चटनी बना रहे मौसी। देखो उधर चटनी बन रहा है, यही चीज, ये काले करड़ की चटनी बन रही है। करड़ को भुना, करड़ नहीं तो कारड़ सॉरी, ये कारड़ की चटनी है जिसको ड्राई रोस्ट किया, उसके बाद उसमें लहसुन और खोबरा का पेस्ट डाला और उसमें लाल सूखा पाउडर जो महाराष्ट्र मैजिक मसाला जो है उसका सूखा पाउडर डाला और नमक डाल रहा है। दिस इज लाइक अनदर काइंड ऑफ महाराष्ट्र चटनी। यहाँ तीखे को बड़ा अच्छा सा मजेदार सा वर्ड यूज करते हैं, झंझनी। माला सब्जी पे झंझनी थोड़ी सी खाऊं ना, ना है चूल्हे का खाने से नहीं नहीं इसमें डालूं थोड़ी थोड़ी चखने के लिए। ये तो ज्यादा, देखो ये हो चुका है क्योंकि इसमें फनस भी उबला हुआ है, मसाले भुने हुए हैं, ये सिर्फ मिक्स ही कर रहे हैं ताकि सारे जो इसमें फ्रेग्रेंस है वो एक दूसरे में यू नो टेस्ट मिक्स हो जाए। लाल चटनी थोड़ा ज़रा तिखट पाइजे। हाँ तिखट पाइजे, जैसे आलू पराठा बनता है मुझे लगता है ये स्टफिंग करके फनस पराठा भी बन सकता है। आई विल ट्राई इट, आज नहीं फिर कभी ये कांड करूँगी वरना मौसी बोलेगी कि सारी चीज़ों को बेकार कर दिया। पर जब हम रतन की रसोई में पहुंचेंगे ना तो ये कांड जरूर करेंगे। तुला खाएची ना कशात नीती आता ती
नहीं नहीं पकने दो, मेरे को तो देखना है कैसे पकता है, मुझे खाना है मतलब। बेसिकली इसको अच्छे से भूनना है, मुझे लगा था कि बस सब कुछ पका हुआ है निकाल लो, पर इसको अच्छे से। ए नको उधर देख, शुरू ये कढ़ाई आना। आई होप कि बिल्लियों को फनस ना पसंद हो, बस चिकन समझ के इस पे भी मुंह डाल सकती हैं, बचाना पड़ेगा। एकदम नॉन वेज, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप घबरा जाओगे ये कि वेज है या नॉन वेज है। इट्स लाइक अ कीमा ओनली। ओके जी, जाला बन चुका है हमारा फनस का सब्जी। ये फनस का कीमा है बेसिकली। गजब की खुशबू आ रही है भाई, सच्चे में मौसी बहुत अच्छा बना है, खूब छान। इसमें निकालूं क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ना, तो इसका जितना टाइप्स होता है मैं चाहती हूँ मुझे सब आ जाए, ताकि वी कैन इम्प्रोवाइज, चलेगा। तो ये है जी फनस की सब्जी, और मैं खा रही हूँ उसके साथ ज्वार की बासी रोटी। खा के बताती हूँ। बहुत अच्छा बना हाँ, ये भी ले जा रही हूँ, गिफ्ट करूंगी थोड़ा सा। मीटिंग है ना, मैंने सोचा क्यों ना ये टेस्ट करवाया जाए, गावरन कटहल की सब्जी। देखती हूँ कैसा लगता है हमारे चाची फ्रेंड्स को। बहुत अच्छा बना। अगर आपके पास महाराष्ट्रन चटनी नहीं है तो आप लोग प्लीज़ महाराष्ट्रन चटनी प्रिपेयर करके ही बनाना, क्योंकि उसकी खासियत ही अलग है। मैंने बहुत बात की है MMM मसाले की, महाराष्ट्र मैजिक मसाला इम्पॉर्टेंट है, और तिल भी इम्पॉर्टेंट है ना मौसी, इसमें सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ टेस्ट के लिए वो सब चीज़ लेते आना। चलो आज के लिए इतना ही, मैं मीटिंग के लिए लेट हो रही हूँ। राम राम, जय भारत।